नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल से एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर जिले के ऐतिहासिक कस्बा तरावड़ी से आ रही है। वैसे तो तरावड़ी को एक तरफ जहां धर्म नगरी भी कहा जाता है, वहीं तरावड़ी को चावल नगरी भी कहा जाता है। लेकिन ऐतिहासिक, धार्मिक और चावल नगरी में कानून व्यवस्था का लगातार जनाजा निकल रहा है, या यूं कहे कि कानून व्यवस्था को रोंदने वाले अब पैदा हो रहे हैं। उन्हें ना तो कानून की कोई फिक्र है और ना ही पकड़े जाने का कोई डर। समाचार एक्सप्रेस पहले भी कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर दो मर्तबा आपको समाचार दिखा चुका है। हालांकि उसमें पुलिस ने सख्त कार्यवाही भी की, बावजूद इसके दिन हो या दोपहर हो या फिर शाम, खतरनाक हमला करने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें तरावड़ी के भगत सिंह चौक की है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि देर शाम आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठी, डंडों और तेज धार हथियारों के बल पर उस समय एक ऐसे युवक पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया जो आईएएस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उसका कसूर केवल इतना था कि वह अपने भाई को लेने के लिए भगत सिंह चौक पर चला गया। इस हमले में आईएएस की तैयारी कर रहा दीपक कुमार, उसका भाई लव और उसके पिता सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए दीपक कुमार की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। उसे नीलोखेड़ी अस्पताल से करनाल लाया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। दीपक के शरीर की एक हड्डी भी टूट गई है, उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। दीपक के पिता और उसके भाई को भी ताबड़तोड़ तरीके से पीटा गया, उन्हें भी शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल तीनों पिता पुत्रों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों में एक होमगार्ड का जवान भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान भी चलाया है, लेकिन सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में जब तरावड़ी के एसएचओ से समाचार एक्सप्रेस के एमडी अनिल लांबा ने घटनाक्रम को लेकर जब सवाल किया, तो सुनिए तरावड़ी के एसएचओ ने समाचार एक्सप्रेस को क्या बताया। पहले आप भी ये सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अनिल लांबा बोल रही हूँ। जी हाँ सर। एक तरावड़ी में 10 तारीख को भगत सिंह चौक पर जी रात 9 बजे सरेआम कुछ व्यक्तियों को पिटा गया जी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? एफआईआर लॉन्च कर दी है भाई साहब उन व्यक्तियों के खिलाफ जी, और आज हमने रेड भी की है। मैं खुद भी गया था, एक का पता लगा था हमें जी उसको उठाने के लिए। विक्रम होमगार्ड भी है कोई? विक्रम होमगार्ड, वो बस ये मीडिया में ही आ रही थी कि कोई होमगार्ड है। विक्रम होमगार्ड है जो आरोपी है इसके अंदर, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई साहब एफआईआर। एक बार आपसे रिक्वेस्ट भी किया, मुझे आप जो एफआईआर है मुझे व्हाट्सएप पे डाल देंगे? आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं अनिल लांबा बोल रहा हूँ, समाचार एक्सप्रेस से एमडी। चलो मैं देखता हूँ भाई साहब। ठीक, अभी तो मैं फील्ड में था जी, मैं देखता हूँ फिर बताऊंगा। 4-5 बजे तक डाल दें आप, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब। आपने सुना कि तरावड़ी एसएचओ ने क्या बताया। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बाजार में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। जिस स्थान पर हमला हुआ उसे रेलवे रोड कहा जाता है। यह हमला रात को करीब 9 बजे हुआ। हमने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आपको हमले की सीधी तस्वीरें दिखाई, लेकिन तस्वीरें देखकर हमें भी हैरानी हुई। जब हमलावर पिता पुत्रों पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे थे, तब मानवता और इंसानियत भी उस समय दम तोड़ रही थी। आप तस्वीरों को एक बार फिर से गौर से देख लीजिए। हमले के वक्त घटना स्थल पर ही कई लोग मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति पिता पुत्रों को बचाने नहीं आया। आपने देखा कि कैसे नशे में धुत आरोपी डंडे और लाठियां लहराते हुए पिता पुत्रों पर हमला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ठीक ऐसे ही एक घटना तरावड़ी के ही मेन बाजार में घटित हुई थी। समाचार एक्सप्रेस ने सबसे पहले ताजा तस्वीरों के साथ आपको खबर भी दिखाई थी। उस हमले से सारा बाजार दंग रह गया था। घटना के बाद बाजार बंद भी हुआ और दुकानदारों ने बैठक भी की। इस घटना से पहले भी बस अड्डे के निकट शमी तनेजा के भाई की दुकान पर बंदूकों के दम पर तोड़फोड़ की गई और दुकान पर ही कब्जा कर लिया गया। अब आप ही बताइए
कि छोटे से कस्बे तरावड़ी में इस तरह की घटनाएं लगातार घटित होना क्या पुलिस की नाकामी साबित नहीं कर रही। दरअसल तरावड़ी का पुलिस थाना भी जीटी रोड के निकट ही पहुंच गया है। यदि शहर में अचानक लूट की वारदात या फिर हमले की घटना घटित भी हो जाए तो पुलिस के लिए घटनास्थल पर समय पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। रही बात शहर में पुलिस या दौरे की, तो यह पुलिस के बस के बाहर की बात है। तरावड़ी के जिस भगत सिंह चौक पर रात 9 बजे जो घटना घटित हुई, वहां अक्सर शराबियों का जमघट रहता है। ढाबों और कई दुकानों पर सरेआम गिलासों में शाम को जाम छलकते हैं। शराब पीकर लोग बदहवासी में आ जाते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं घटित होना आम बात है। पुलिस यहां ना तो चक्कर लगाती है और ना ही कोई चेकिंग अभियान चलाती है। शहर के भीतर भी कमोबेश यही हालत है। अब आप ही बताइए कि जो युवक आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हो, क्यों वो किसी को थप्पड़ भी मार सकता है? लेकिन इस हमले की वजह से उसके उज्जवल भविष्य पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने वाला दीपक पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल है। लगातार हमलों से यह साफ हो गया है कि तरावड़ी में एक साथ कई गिरोह खड़े हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनमें अपना आतंक जमाने के लिए होड़ लगी हुई है। इसलिए कानून की धज्जियां उड़ाने वाले यह लोग बिना किसी डर के छोटे से कस्बे में अपना आतंक मचाने में सफल होते नजर आ रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। यदि आपके पास भी कोई बड़ी खबर है तो आप हमें बेझिझक भेजिएगा, हम आपकी खबर को पूरा तवज्जो देंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए समाचार एक्सप्रेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। आपकी शाम मंगलमय हो। नमस्कार। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।